अब मैं आत्मा हूं तो मेरा स्वरूप क्या है? कहते हैं ना ज्योति, किसी के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं, ज्योति ज्योत में समा गई है ना, एक दिव्य प्रकाश है ना। जैसे एक मंदिर है, मंदिर में एक जैसे ज्योति जगी हुई है अखंड, जैसे आत्मा वो ज्योति वो सितारा इस भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान, में अकाल मूरत आत्मा। हम बिंदी तिलक हम यहीं लगाते ना, हाँ किसी को भी देखते हैं बिंदी तिलक हम यहाँ लगाते हैं, वो है आत्मस्मृति का तिलक। हम केवल ज्ञान नहीं सुनेंगे आज, ठीक है, आज हम अनुभव करते जाएंगे, ठीक है ना। हम अभी नवरात्रि में वहाँ ज्ञान सरोवर में हम 9 दिन, अभी हमने 5 दिन हम लोग रात्रि तपस्या रखते हैं साधना नवरात्रि में, तो अभी हमने 5 दिन रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये तपस्या चलती है हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में। पूरे के कमरे को सजाते हैं, अंदर भी दिए आदि जगाते हैं। तो पहला दिन हम लोगों ने बहुत सुंदर सभी को, जैसे ना आत्मा इस शरीर में, जैसे इस मंदिर में, जैसे मैं आत्मा ज्योति, केवल मैं प्रकाशित नहीं हूं, जैसे ना ये प्रकृति का कण कण जैसे अलग, जैसे धरती का हूं तो धरती का एक एक सेल जैसे शरीर का प्रकाशित है, आकाश कहूं तो जैसे कण कण के रूप में आकाश, जैसे आकाश वहां नहीं है, आकाश जैसे नीचे ही है पूरा, जल कहें तो जैसे पूरा जल ही जल, वायु अग्नि जैसे ये प्रकृति के 5 तत्व प्रकृति में समाहित है, और प्रकृति भी आत्मा के समान जगमगा रही है, प्रकाशित है, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे आत्मा ही प्रकाशित नहीं है, ये प्रकृति के 5 तत्व भी जैसे इसके साथ प्रकाशित हुए हैं, और जैसे पावन बनते जा रहे हैं प्रकाश ही प्रकाश। और वो अनुभूति ऐसी थी जैसे हमें लग रहा था कि इस आत्मा के प्रकाशित होने का ही यादगार हम मंदिरों में जगह जगह क्या करते हैं, नवरात्रि में दीप जगाते हैं ना, अखंड दीप जगाते हैं, स्थूल दीप जगाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा जागती ज्योत बन जाओ, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर है, तुम ही प्रकाश हो, तुम ही एक ज्योति हो। तो हमें ये अनुभव हुआ कि देखो आत्मा ज्योत जगती है ना, इसते हैं अखंड दीपक जगाए जाते हैं है ना, और कितना उसकी संभाल करते हैं कि बुझने ना पाए। लेकिन इस ज्योति के बुझने की या इस ज्योति की विस्मृति की चिंता किसी को है? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, वो सारी अनुभूतियां सारी शक्तियां जो परमात्मा जैसा है वैसा मैं हूं, वो महाज्योति शिव जिसका ज्योतिर्लिंगम के रूप में हम पूजा कर रहे हैं, वो जैसा है वैसा मैं भी हूं। हम माता पिता बंधु सखा हम उनको कहते हैं, तो देह से न्यारी आत्मा ही उस महाज्योति से उन संबंधों का अनुभव कर सकती है। अगर मैं देह में रहूं तो मैं सजनी का अनुभव कर सकता हूं, अगर खुद के देह भान में रहूं, मैं पुरुष के भान में रहूं, तो क्या मैं परमात्मा से उसको साजन के रूप में और खुद को सजनी के रूप में अनुभव कर सकता हूं? कर सकते हैं। देह भान जब तक है उससे सर्व संबंधों का अनुभव भी नहीं है। तो मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य शरीर में इस अकाल तख्त पे मैं अकाल मूरत आत्मा दिव्य अलौकिक हूं, इन आंखों से देख रही हूं, इन कानों से सुन रही हूं, जैसे ये माइक है अपने आप आवाज नहीं आएगी, ये मुख है, मैं ना चाहूं तो इस मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली है ना, मैं आत्मा चैतन्य। ये शरीर जड़ है ना, कोई कार चलाता हुआ आता है तो आप कार से बात करते हो,
कैसे हो भाई, ठीक हो? किससे बात करते हो? ड्राइवर से बात करते हो? अभी तक क्या करते आए? अभी तक तो ड्राइवर गाड़ी से ही बात करते आए हो आप अभी तक, हैं? ये मेरा पिता, गाड़ी को देख के बोल रहे हो, ये मेरा बेटा, गाड़ी को देख के ही तो बात करते आए हो। कितना सुंदर है, कितना गोरा है, कितना मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, हैं? और ये मेरा बेटा है, ये पड़ोस वाले का है, ये उसका है, ये तो मामा का है, उस चाचा का है, ये मेरा, किसको देख के किसको बेटा बोल रहे हैं? हाँ, गाड़ी को देख के बोल रहे हो ना, ड्राइवर को देख के थोड़े बोल रहे हो। हाँ, देह समझने और देह देखने के कारण ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, है ना? लेकिन जब आत्म अनुभूति और आत्मिक दृष्टि और वो सत्य ज्ञान स्वयं का जब हमें प्राप्त होता है शिव बाबा के द्वारा, तो ये संसार हमें अपना लगता है। अब जैसे हम यहाँ हैं, हमें कोई भी सभा होगी तो हमें अपनी लगती है। आप चाहे हम जहाँ रहते हैं ज्ञान सोर और आप आओ, कोई भी परिवार आता है, हम उनकी वही खातिरी करते हैं जो हम, अगर हमारे देहिक से भी जो भी हमारे दैहिक लौकिक से भी कोई आएगा, हमारे देह के संबंधों से कोई आएगा, तो भी हम उनसे वही व्यवहार करेंगे जो हम आपके साथ करेंगे। हमें कोई अंतर, अभी आप मुझे वही मेरी बहनें लग रही हो, माताएं लग रही हो, मुझे कुछ भी फर्क, जैसे जन्म देने वाली माता होंगी देह की, वैसे ही मुझे आप भी नजर आ रहे हो, हमें कोई अंतर नजर नहीं आता है। हम एक निमंत्रण देने के लिए एक मंदिर में गए, तो वहां ऐसे 50-60 माताएं, बढ़िया ढोलक मंजीरा लेके, दुर्गा का मंदिर था तो हम पहुंचे तो भजन चल रहा था, तो 5 मिनट उन्होंने अच्छे से भजन गाया, और मुझे ऐसे अनुभव हो रहा था कि एक एक मुझे दुर्गा दिखाई दे रही थी, मैंने एक एक आत्मा में वो दिव। तो जब वो पूरा हुआ और मैं बीच में बैठा और सब, तो मैं कहा जैसे वो मूर्त में देख रहा हूँ दुर्गा, और आप सब, जैसे मुझे लग रहा है वो मूर्ति से निकल के आप सब लोग यहाँ दुर्गा, मुझे वही दृश्य दिखाई दे रहा, आप सब में मुझे वही देव रूप वो दुर्गा दिखाई। तो वो तो पहले उनके बेचारे के झांझ वांझ सब ढोलक उलक सब साइड हो गए, हाथ से छूट गए। मैंने उनको भी ऐसा कह सकता है कि वो, मैंने कहा जैसे मुझे लग रहा है कि वो गर्भगृह से वो देवी जैसे निकल कर आप लोगों के साथ, जैसे आप सब उस रूप में जैसे बैठे हो निकल के। तो बाबा ने हमें इस हद से निकाल कर वो बेहद के स्वरूप में स्थित किया। सुधे कुटुंबकम कब है? जब हमारा आत्मिक भाव है, है ना? देह बहान है तो हद है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये है, ये है। सीता अशोक वाटिका में बैठी है, रावण बार बार जा रहा है, बोलता है राम को छोड़ दे, वो तो जंगल में भटक रहा है वनवासी, तू उसको भूल जा, मैं लंका का राजा हूँ, पूरी सोने की लंका, मेरे ऐश्वर्य के आगे वो क्या है वो वनवासी, हाँ वो तो ऐसे ही भटक रहा है, तू अब उसको छोड़ दे, है ना, मुझे अपनाओ, मैं रावण, मैं तुमको बहुत सुख दूंगा। आखिर में रावण कहता है कि उसमें और मुझ में, है ना, मैं धन में, बल में, हर चीज में मैं, और समझ में भी मैं विद्वान हूँ, रावण ब्राह्मण था, वो तो विद्वान था, तो सब में मैं ऊपर हूँ, आखिर उसमें क्या है, मुझ में ऐसा क्या? बोलती है सीता, क्या बोलती है? तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास जो मैंपन है, अहंकार है। राम के पास अहंकार नहीं है, तेरे पास क्या है? अहंकार। देह भान है, राम में अहंकार नहीं है, मैंपन नहीं है। तो जितना जितना आत्मा अपने सत्य स्वरूप में बैठने का अनुभव करने का, मैं प्रकाश, जैसे इस प्रकाश की काया में, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये जड़ है,
मैं चैतन्य आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप, मैं भ्रकुटी तख्त पर विराजमान, ये अकाल तख्त मेरा स्थान है, मैं अकाल मूरत आत्मा इस पर विराजमान हूँ, इस प्रकृति का मालिक हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ, ये वस्त्र है मेरा, है ना, मुझे ये मेल का शरीर मिला है पाठ बजाने के लिए, आपको फीमेल का, इनको मेल का, मैंने इस देह से पहले अनेक शरीर बदले हैं, मेरे अनेक माता पिता हुए, अनेक संबंध हुए, इस शरीर से पहले भी मैं किसी और शरीर में था, फिर मैं किसी और शरीर में आऊँगा, मैं यात्रा पे हूँ, मैं मुसाफिर हूँ ना, है ना, तो मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ। आप दिन भर में कई बार, जैसे ना मैं प्रकाश, प्रकाश की काया में, प्रकाश प्रकाश में, और मेरे ऊपर जैसे महाज्योति से वो प्रकाश, मैं प्रकाश हूँ, शांत स्वरूप, शुद्ध पवित्र हूँ, प्रकाश की काया में हूँ, और मुझ पर जैसे महाज्योति से सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, जैसे वो किरणें मुझ पर प्रभावित हो रही हैं। ये बार बार चलते फिरते काम करते, आप जब ये अनुभूति करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर से वो जैसे ना सारा, जैसे वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण जैसे ना अपने आप बाहर आ रहे हैं, कुछ तरह से भी, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। आपको यदि अनुभव अभी नहीं हो रहा है, आप एक दिन बस ये जैसे मन, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये हाथ पैर आँख नाक का, ये शरीर, ये विनाशी शरीर छींची मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, ये चमड़ी का बस, हम चमड़ी के चप्पल तो उतार लेते हैं, भान हम आत्मा लेके जा रही है ये चमड़ी, उस भान को तो छोड़ नहीं पाते ना, स्थूल चप्पलें तो बाहर उतार लेते हैं, है ना। तो मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, और देखिए पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, आत्मा के सात अनादि गुण है जो आपके पास हैं, आप आए हो लेके ही आए हो, कहीं किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सात कौन कौन से हैं? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और ये सातों गुण मुझ आत्मा का स्वधर्म स्वरूप, ये मेरी अनादि गुण है जो मुझ में है। एक आत्मा जागृत पूरे विश्व को शांत में कर सकती है, केवल चार सदस्यों के अपने परिवार को नहीं। आई बात समझ में? एक शक्ति स्वरूप आत्मा, चैतन्य आत्मा, शिव बाबा शक्तियों के सागर के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ कंबाइंड होके पूरे विश्व के विघ्न को हर सकती है, केवल अपने परिवार के विघ्न को नहीं। आप देखिए, आप कोई भी आत्मा बहुत गुस्सा की, कितनी देर गुस्सा की, कितनी देर कर सकते हैं आप गुस्सा? अगर आपको हम कहें कि हम 5,00,000 रुपए देंगे, यहाँ एक हफ्ता रोज सुबह उठो 8 बजे से रात को 8 बजे तक चिल्लाते रहो यहाँ पे, कौन तैयार है? सुबह से रात तक यहाँ खड़े होके चौक पे चिल्लाते रहना है, गुस्सा करना है एक हफ्ते तक, कर पाएंगे? एक व्यक्ति ने क्रोध किया, कितनी देर करेगा? 1 घंटा किया, 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, बाद में क्या होगा? एक जल का पात्र है, अग्नि आपने, है ना, अग्नि के नीचे रखा तो वो गर्म हो गया। अब जब आपने अग्नि हटाई तो जल गर्म ही रहेगा या ठंडा हो जाएगा? अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। तो हम देखो, आत्मा शांत स्वरूप है, कोई बाहरी परिस्थिति आई, हमने गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? मैं शांत हो जाऊंगा ना,
भले वो शांति उस रूप की नहीं है शांति, वो तो थोड़े समय की अल्पकाल की शांति है, लेकिन आत्मा जब अपने स्वरूप पे टिकने का अभ्यास करती है, यहाँ राजयोग यही सिखाया जाता है, जितना आत्मा उस स्वरूप में टिकने की कोशिश करती है और शिव बाबा के साथ उसका कनेक्शन होता है, लिंक होता है, तो वो शांति तो बहुत गहरी है। फिर वो क्रोध आने की बात, तो कहने का मतलब गुस्सा करने के बाद भी आत्मा थोड़ी देर के बाद अपने एक शांति में तो आ ही जाती है ना, क्योंकि उसका शांति स्वधर्म है, इसलिए उसको शांति अच्छी लगती है। आपको क्या गुस्सा अच्छा लगता है या शांति? शांति अच्छी लगती है, क्यों? गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप भगवान से कोई ऐसा बोलता है, भगवान हे सुख हर्ता, हे दुख 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 दाता, मुझे बहुत दुख दो। किसने आज तक भगवान से दुख मांगा है? मुझे खूब दुख दो प्रभु, बहुत मजा आता है। सुखी मांगते हैं, क्यों दुख नहीं मांगते हम? आप जितनी आरतियां हैं, क्या दुख हरता सुख करता, हे पतित पावन, हे पावन बनाने वाले, हे सुख देने वाले, हे शांति देने वाले, हे प्यार के सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, सुख चाहिए ना, दुख तो नहीं चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, उदासी ये तो नहीं चाहिए हमें, पवित्रता चाहिए, देखो शुद्धता चाहिए। आपको बहुत गंदे वस्त्र दिए जाए पहनने को, तो आप स्वच्छ वस्त्र पसंद करेंगे या गंदे? बहुत खराब रहने वाले को भी आप धुला वुला के साफ सफाई कर दो तो उसको अच्छा ही तो लगे कि खराब लगेगा? क्योंकि स्वच्छता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा हूं ही पवित्र, सुख शांति आनंद में, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है। भगवान से भी मैं वही मांगता हूं, पावन बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, क्योंकि मेरा है वो रियल स्वरूप। ये तो देह भान बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण ये विकार ये बुराइयां मेरे अंदर आ गए है ना, तो बाबा वही आकर स्मृति दिला रहा है, बच्चे तुम कौन हो।